नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। बड़े भाई का प्रेम प्रसंग और उसके बाद पुलिस की जाति। भिवानी जिले के बड़सी गांव के 23 वर्षीय युवक बिट्टू पर भारी पड़ा। परिजनों का आरोप है कि हांसी पुलिस ने युवक को टॉर्चर किया, जिसके बाद घर आने पर युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि युवक को दो बार लगभग 3 दिन तक अवैध कस्टडी में रखा गया और युवक को टॉर्चर किया गया। यहां तक कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक के बाजू और जांघ पर सिगरेट से दागे जाने के भी निशान हैं। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल हिसार लाया गया। यहां परिजनों ने आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी ना होने तक शव को लेने से इनकार कर दिया है। वहीं पुलिस के अनुसार कुल 5 पुलिस कर्मियों पर IPC की धारा 306 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच शुरू की जा रही है। पुलिस के अनुसार 3 पुलिसकर्मियों का FIR में नामजद किया गया है, वहीं 2 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं मृतक के चचेरे भाई विकास के अनुसार मृतक के बड़े भाई का प्रेम प्रसंग पड़ोसी गांव के युवती के साथ था, जिसके बाद दोनों घर से फरार हो गए। लड़की के घर वालों ने इसकी शिकायत हांसी सदर थाना में दी, जिसके बाद हांसी थाना से 5 पुलिसकर्मियों द्वारा छोटे भाई मृतक बिट्टू को उसके घर से उठाया गया और 2 दिन हिरासत में रखकर उसे छोड़ दिया गया। वहीं विकास ने बताया कि 21 तारीख को सुबह लगभग 10 बजे एक बार फिर पुलिसकर्मियों ने बिट्टू को हिरासत में लिया, जिसके बाद उसी दिन शाम को लगभग 7 बजे बिट्टू घर पहुंचा, जिसके बाद उसने पुलिस द्वारा उसे किए गए टॉर्चर के बारे में बताया और उसने लगभग आधे घंटे के बाद उसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मनोहर लाल कट्टर सरकार से विनती है कि इन पुलिस वालों पे कार्रवाई की जाए, ये हमारी कोई पैरवाई नहीं कर रहे हैं। वो जो मामला था, किस तरीके से क्या क्या हुआ था? वो मामला था सर ऐसा, मेरा चाचा का लड़का है, वो चेयरमैन का फोन है, मेरा भाई है जो चाचा का बड़ा लड़का, वो एक लड़की के साथ उसका प्रेम संग था, वो उसके चक्कर में, अरे छोटे लड़के को वो तो उस लेके उसको फरार है, हमें भी नहीं पता उसका वो कहाँ पे है। वो इन छोटे लड़के को 2 बार पहले उठा के ले जा चुके हैं और 3री बार 31 तारीख को उठाया, तो 31 तारीख को उठाया तो उनने अच्छे दादा टॉर्चर किया। अच्छे दादा टॉर्चर करने के बाद उनने श्याम को छोड़ा, जो किस टाइम छोड़ा ये पता नहीं, वो हमारे पास आया 7:30 बजे घर पे रोता हुआ आके बोला। हमने पूछा भाई साहब क्या बात हुई, वो बोला मेरे को तो पुलिस वालों ने मारा है, टॉर्चर किया है और ये बोला है चलो तू खुद मर जा या ना हम छोड़ेंगे नहीं तेरे को, डेली टॉर्चर ऐसे ही करेंगे। तो इस चक्कर में उसने, हम तो इधर उधर हो गए, उसने ऐसे जैसी जहर निकल लिया। हाँ वो कारमची हमने उसको उठा के मलिक हॉस्पिटल के ले अंदर लेके आए हांसी, वहाँ उनको ओटा नहीं, वहाँ से उनने कह दिया भाई आप CMC में जाओ या सूर्योदय में जाओ या एक और नाम दिया महात्मा गांधी में। हमने लगा भाई ये सरकार की तरफ से कुछ भी है, उसमें गया हम सूर्योदय हॉस्पिटल में लेके आए उसको। उसने यहाँ भी आके बयान दिए, पुलिस वाले के पास भी बयान दिए थे, पुलिस वाले ने वो बयान नूला, कुछ बयान उसने दिए, कुछ हमने उससे बोला नहीं जा रहा था, कुछ हमने लिखवाए थे। पुलिस वाला सरासर ये बोला भाई ये गलत हैं, उसने वो FIR पाड़ दी हैं और फिर वो उसने वो लिखवा दिया, क्या बोलते हैं डॉक्टर के पास यार पता नहीं, अनफिट बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको मेरे को पता नहीं, भाई वो ज्ञान देने के हालात में नहीं है, ये घटना है। तो कागज भी, सबसे पहले तो आप अपना नाम और पता। सर मैं सुनील कुमार, मेरे पापा सरपंच, मैं सरपंच प्रतिनिधि बड़सी जाटान से। सर तो इस मामले में आगे क्या रूपरेखा? सर रूपरेखा सीधी है हमारी, दोषी अरेस्ट हो जाएं हम इनका दाह संस्कार कर देंगे, मिट्टी तुम्हारी हो ही चुकी है। तो कितने लोग इसमें दोषी हैं सर? क्या नाम? सर 5 लोग हैं, 3 तो पुलिस वाले वर्दी में थे, एक सब इंस्पेक्टर है जगवीर सिंह, एक ASI है राजवीर सिंह और एक महिला कांस्टेबल है सीमा, ये तीनों और 2 आए थे सिविल वर्दी में, हम उन्हें जानते नहीं है सर। तो अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आपसे? पुलिस कह रही है कि हम आश्वासन देते हैं हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ग्रामीणों की हमारी सब यही मांग है कि आप उनको एक बार, चाहे ज़्यादा नहीं ना दे, एक बार 2 को अरेस्ट कर लो ताकि हम शांति आ जाए मन में। अगर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती है तो सर हमारी रणनीति आगे की यही है कि हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे 1 दिन हो चाहे 2 दिन हो चाहे 5 दिन हो। इस दौरान क्या डेड बॉडी ना लेने का फैसला? हाँ जी, हम डेड बॉडी नहीं लेंगे, डेड बॉडी नहीं लेंगे सर हम।
अभी परिवारजन गए थे अंदर, उसको देखा गया है डेड बॉडी को, उस पर काफ़ी ज़्यादा सिगरेटों के निशान यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, जांघों पे भी हैं, और उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया है। अब कह रहे हैं, हमने बोर्ड से डिमांड की कि बोर्ड बिठाओ इसका और इसके MLR ओरिजिनल में देखी जाए, ताकि हमारा एक बंदा उसके साथ हो, हम निशान देखें अच्छे से, हमारा पेटा भरे। क्या आपको संदेह है कि उनको सिगरेट और? बिल्कुल सर, इसमें कोई दोराई नहीं है। आपने जो मांग की है कि MLR के दौरान एक बंदा वहाँ पे रहे, तो क्या मांग मान लेंगे आप? नहीं, अभी कह रहे हैं कि 3 आदमी गठित करिए टीम, हम बाद में बता देंगे आपको कि एक बंदा जाएगा या नहीं जाएगा अंदर। जी सर, इस मामले के बारे में सर, कल हमारे को रुका प्राप्त हुआ था, अगर भाई ऐसे ऐसे पॉइजन केस में दाखिल सरोदय अस्पताल इशार है, तो यहाँ पहुँच करके ना उसके कागजात प्राप्त किए, जो मजरूब था उस टाइम अनफिट था, डॉक्टर साहब ने अनफिट कर दिया। आज सुबह जो है ना इसका फिर रुका प्राप्त हुआ है, दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। आकर के ना इसके चाचा का लड़का है विकास, उसके बयान के ऊपर कार्रवाई करके और मुकदमा दर्ज कर दिया है और पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। बाकी रिपोर्ट जो मिश्रा की रिपोर्ट जमा होने के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। अंडर सेक्शन किस किस में? अंडर सेक्शन 306(34)IPC। इसमें कितने लोगों को पार्टी बनाई? इसमें 3 तो नामजद आरोपी हैं। कौन-कौन? एक तो वो राजेंद्र और राजवीर और एक जगबीर, एक सीमा। तीनों ही पुलिसकर्मी? हाँ, तीनों पुलिसकर्मी और 2 अन्य हैं। किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी? नहीं, गिरफ्तारी तभी तो यहाँ से फारिग हुए, पोस्टमार्टम करवाया है, उसके बाद जाके आगे कार्रवाई में। परिजनों का आरोप है कि जब वो एडमिट था यहाँ हॉस्पिटल में, तो बयान वो देना चाह रहा था, परिजन भी देना चाह रहे थे, जबकि यहाँ जो भी आपके जांच अधिकारी आए उन्होंने उनके बयानों को नहीं लिया, फिर फाड़ दिया। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बयान जिस टाइम लेने के लिए आए थे, डॉक्टर साहब से दरख्वास्त दी गई थी लिखित में फिट 4 है या नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने अनफिट कर दिया। परिवार वाले उस टाइम जो अपने लाल सिंह जी SIC थे साथ में, उन्होंने कहा था जो अगर आप कुछ लिख के देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो ये तो फिट 4 होने के बाद स्टेटमेंट ली जाएगी। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी वो किसी भी तरीके से शव को नहीं लेंगे, इस पर अफसरों का बता दिया जाएगा, जो भी आदेश होंगे आगे कार्रवाई में मिलाई जाएगी। आपका नाम सर? ASI वीरेंद्र सिंह जी, थाना बवानी खेड़ा जी। परिजनों का आरोप है कि जो मृतक था उसके ऊपर पुलिस ने टॉर्चर किया है, इवन उसको बीड़ी और सिगरेट के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में जिनमें हाथ और पाँव भी हैं जलाया गया है, जिसके निशान भी मौजूद थे। किस तरीके का जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यहाँ आई है, या फिर आप लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया होगा, क्या इस तरीके की कोई सामने? फिजिकल इसका पोस्टमार्टम जो बोर्ड द्वारा करवाया गया है और डॉक्टर साहब से भी ली गई थी, ऐसी कोई इंजरी नहीं थी शरीर पर जिससे कोई सिगरेट वगैरह किया और कोई निशान थे, वैसे निशान थे तो डॉक्टर साहब ने उसमें PMR में वो तहरीर की हुई है। किसी भी तरीके का ना ऐसी कोई इंजरी ना इसी कोई पुष्टि नहीं हुई, ना डॉक्टर साहब ने मना कर दिया और नास के फोटो भी उतारे गए साथ साथ में। हाँ जी, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।